अलवर जिले के खैरतल कस्बे में व्यापारी मुकेश अग्रवाल की बदमाशों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर करीब 1,20,000 रुपए लूटने की वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है जिनके द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया था। व्यापारी मुकेश गुप्ता के यहां काम करने वाले नौकर धर्मेंद्र उप छोटू निवासी रायपुर मेवान ने अपने चचेरे भाई कुलदीप और लालचंद के साथ मिलकर व्यापारी को लूटने की योजना बनाई और उसके बाद हरियाणा के बदमाश सुनील के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस अधीक्षक राहुल प्रकाश ने बताया कि 9 मार्च की शाम को रवि किराना स्टोर के मालिक 40 वर्षीय मुकेश अग्रवाल दुकान बंद कर घर जा रहा था, तभी बाइक पर सवार होकर आए नकाबपोश बदमाश कुलदीप और लालचंद ने व्यापारी के हाथ से रुपयों से भरा बैग छीनने की कोशिश की तो व्यापारी ने विरोध किया। इस पर लालचंद ने कट्टे से फायर किया। इसके बाद कुलदीप ने भी पिस्टल से हिट फायर किया जिसमें व्यापारी की मौत हो गई और रुपयों से भरा बैग लेकर वे बाइक से फरार हो गए। बाइक को सुनील चला रहा था जबकि धर्मेंद्र इसकी सारी सूचनाएं उन्हें दे रहा था। एसपी राहुल प्रकाश ने बताया कि घटना के बाद पुलिस ने गंभीरता को देखते हुए 4 टीमें बनाई और इस चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए गुप्त ऑपरेशन और WD शुरू किया गया जिसमें सभी टीमों को अलग अलग कार्य सौंपे गए। पुलिस अधीक्षक के द्वारा शुरुआती फेज में यूपी हरियाणा के बदमाशों पर निगरानी की गई। इसके बाद पुलिस को कुछ सुराग मिलने के बाद व्यापारी के नौकर की गतिविधियों पर खुफिया तौर पर नजर रखी गई तो उसकी गतिविधियां संदिग्ध नजर आई। इसके बाद पुलिस ने नौकर धर्मेंद्र उप छोटू को और कुलदीप को हिरासत में लिया। इसके बाद उन्होंने वारदात को कबूल किया। आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने लालचंद और सुनील को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के द्वारा बताया गया कि पिछले कुछ समय से वह आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। 2 महापौर बातचीत के दौरान धर्मेंद्र उप छोटू ने कहा था कि वह जिस सेठ के यहाँ काम करता है उसके पास मोटी आमदनी होती है और रोजाना शाम को घर लाखों रुपए लेकर जाता है। इसके बाद आरोपियों ने मुकेश अग्रवाल को लूटने की योजना बनाई और हरियाणा के बदमाश सुनील से संपर्क कर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस आरोपियों से माल बरामदगी का प्रयास करने में जुटी है। 9 मार्च को खैरथल क्षेत्र में स्वर्गीय मुकेश अग्रवाल जी के यहाँ लूट की एक वारदात हुई थी दुकान पे और उस लूट की वारदात में गोली उनको मार दी गई थी जिससे कि बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में पुलिस ने लगातार अनुसंधान किया और विभिन्न दृष्टिकोण से अनुसंधान किया जिसमें कि शुरू में आपराधिक गिरोह के द्वारा किया गया कृत्य प्रतीत हो रहा था और उस दृष्टिकोण से हम लोग अनुसंधान कर रहे थे। साथ में हम लोगों ने साइक्लोन सेल की मदद से भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर काम किया था। बहुत सारे ऐसे लीड हमें मिल रहे थे जो कि इस ओर इशारा कर रहे थे कि संभवतः इसमें किसी आपराधिक गिरोह का हाथ है, लेकिन धीरे धीरे लगातार मेहनत करने और गहन तफ्तीश करने के बाद ये बात सामने आई कि यह अपराध 4 लोगों के द्वारा किया गया है जिसमें से एक उनका खुद का नौकर धर्मेंद्र उर्फ छोटू शामिल था और उसके साथ उसके ही 4 सहयोगी दोस्त और रिश्तेदार इसमें शामिल थे जिनके नाम सुनील, लालचंद और कुलदीप है। इसके अंतर्गत लालचंद और सुनील हैं जो कि मुख्य तौर पे पूरे प्रकरण को कॉन्स्पिरेट करते हैं, षड्यंत्र करते हैं और सुनील है जिसने कि हथियारों की व्यवस्था करी और बाइक की व्यवस्था करी थी। इस प्रकरण में हमने इन 4 को डिटेन कर लिया है। पूछताछ में इन लोगों ने अपने अपराध को स्वीकार किया है। इनको गिरफ्तार करके माल जो है वो बरामद किया जाएगा। एक बार फिर हम आपको बता दें कि मामला क्या था। यह हत्या पुलिस के लिए बड़ी सिरदर्द बनी हुई थी। लगभग 20 दिन पहले 9 मार्च को लूट की खातिर हुई व्यापारी मुकेश अग्रवाल की हत्या की गुत्थी सुलझाना किसी चुनौती से कम नहीं था। वहीं पुलिस को लगातार व्यापारियों का, आमजन का, राजनेताओं का और प्रशासनिक स्तर पर भी दबाव लगातार रहा, लेकिन अलवर पुलिस कप्तान राहुल प्रकाश ने अपनी कार्यकुशलता के तहत हत्यारों को पकड़ने के लिए टीमें बनाई और लगातार उनकी रिपोर्टिंग लेते रहे। इस टीम में शामिल विभिन्न थानों के थाना अधिकारी शामिल थे जिसमें अजय यादव SHO सदर थाना, पवन चौबे SHO, MIA नरेश शर्मा उप निरीक्षक और कासम खान ने पूछताछ एवं साक्ष्य संकलन का काम संभाला। साथ ही फील्ड में दौलतराम SHO ततारपुर, जितेंद्र यादव SHO खैरतल, हितेश शर्मा SHO नीमराना, अजय सिंह SHO किशनगढ़ बास, सुनील जांगड़ SHO चौपानकी, अजीत सिंह SHO हरसोरा सहित पूरी टीम ने लगातार दिन रात फील्ड में काम कर वारदात खोलने में सफलता हासिल की। साथ ही नीमराना DSP हिमांशु और भिवाड़ी DSP सिद्धांत शर्मा ने पूरी टीम की मॉनिटरिंग की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक राहुल प्रकाश ने पूरी टीम को बधाई दी और प्रशंसा पत्र के साथ नगद इनाम की भी घोषणा की।